जय दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल बी एकेडमी पे। यदि आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और हमारे पेज एग्जाम बाबा को भी फॉलो करते रहिए। आज की वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हमारे यानी NCERT के सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डील करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एम्फीबियंस अमंग प्लांट्स बिलोंग्स टू, एम्फीबियन जो होता है प्लांट में कौन होता है। ऑप्शन ए एलगी, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट। तो हमारे राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रायोफाइट। और क्वेश्चन नंबर टू हमारा है फेदी स्टिग्मा, फेदी स्टिग्मा अकर्सिंग, फेदी स्टिग्मा किसे पाया जाता है। तो ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी वीट, ऑप्शन सी डेटोरा, ऑप्शन सी डी कैसपिनिया। तो हमारा राइट आंसर होगा वो कैसपिनिया होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, कैसपिनिया। द फर्टाइल पार्ट, द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टिमेनी एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव या ऑब्यूल। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, वो एंथर। हमारा लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि पॉलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पॉलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑप्शन ए पॉलन ग्राम, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी फ्लावर, ऑप्शन डी फ्रूट। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, फ्रूट का स्टडी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोलॉजी कहते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन, मैचुरेशन ऑफ गैनोसियम बिफोर एंथर्स ऑफ द सेम फ्लावरिंग, मैचुरेशन ऑफ गैनोसियम बिफोर एंथर्स ऑफ सेम फ्लावरिंग। ऑप्शन ए प्रोटोगैमी, ऑप्शन बी प्रोटेंड्री, ऑप्शन सी हेट्रोगैमी, ऑप्शन डी ऑटोगैमी। तो हमारा राइट आंसर होगा प्रोटोगैमी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाज डिस्क्राइब्ड बाय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाज डिस्क्राइब्ड बाय ऑप्शन ए कैमेलियस, ऑप्शन बी नियोसिजिन, ऑप्शन सी स्टार्सबर्गर, ऑप्शन डी माहेश्वरी। तो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कैमेलियस, ऑप्शन ए कैमेलियस। सेवन नंबर क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ टेप्टियम इज, फंक्शन ऑफ टेप्टियम इज ऑप्शन ए प्रोटेक्टिव, ऑप्शन बी न्यूट्रिटिव, ऑप्शन सी रिस्पिरेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर होगा टेप्टियम का क्या फंक्शन है, तो उसका काम है न्यूट्रिशन करना। टेप्टियम का क्या वर्क है, तो न्यूट्रिशन करना। जो नेक्स्ट एट नंबर का क्वेश्चन है गैनोसियम इज मेड अप ऑफ, गैनोसियम किससे बना हुआ। ऑप्शन ए स्टिग्मा, ऑप्शन बी स्टाइल, ऑप्शन सी ओबरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तुम्हारा जो गैनोसियम है वो स्टिग्मा स्टाइल और ओबरी तीनों के मिलने से बना हुआ है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नाइन नंबर क्वेश्चन है इन अ फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज, जो मेल गैमेट होता है वो फुल्ली मैच्योर मतलब डेवलप हो उसमें कितने न्यूक्लियाई होते हैं। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी फाइव, ऑप्शन सी थ्री, ऑप्शन डी फोर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थ्री। टेंथ नंबर क्वेश्चन है पोलन ग्रैंड्स आर मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोंजियोफाइल और माइक्रोस्पोंजियम। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रैंड क्या होता है, तो माइक्रोस्पोर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन प्लांट बाय कोलेटर, ऑप्शन बी कैमेरियस, ऑप्शन सी बैंड्रियन, ऑप्शन डी नॉन सचिन। तो नॉन सचिन हमारा राइट आंसर होगा, नॉन सचिन। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन है मैक्रोफाइल इज फाउंड इन, मैक्रोफाइल इज फाउंड इन ऑप्शन ए ऑब्यूल, ऑप्शन बी सीड, ऑप्शन सी ए एन बी, ऑप्शन डी फ्रूट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा मैक्रोफाइल किस चीज में पाया जाता है, तो ऑब्यूल और सीड दोनों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं द फर्स्ट फीमेल गैमेट्स ऑफ एंजियोस्पर्म, द फर्स्ट फीमेल गैमेट्स, द फीमेल गैमेट्स ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन ए एग, ऑप्शन बी कार्पोइल, ऑप्शन सी पोलन ग्रैंड, ऑप्शन डी ओस्पोर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एग। क्या होता है, तो फीमेल गैमेट्स को जो एंजियोस्पर्म होता है वो एग के द्वारा दर्शाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन लार्जेस्ट सेल इन द ऑब्यूल, लार्जेस्ट सेल इन द ऑब्यूल, ऑब्यूल में जो सबसे बड़ा सेल होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए एमएमसी, ऑप्शन बी एंटीपोडल, ऑप्शन सी सेंट्रल सेल, ऑप्शन डी साइज ऑफ सेल वेरिएबल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सेंट्रल सेल। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा अटिपिकल एग्जांपल ऑफ, अटिपिकल एग्जांपल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें से कौन जो है एग्जाम्पल है क्रॉस पॉलिनेशन का। ऑप्शन ए वीट, ऑप्शन बी टोमेटो, ऑप्शन सी पोटैटो, ऑप्शन डी मेजर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो मेजर, ऑप्शन डी। हम अपना 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, पोलन ग्रेन्स आर येल्लो ड्यू टू, पोलन ग्रेन्स येल्लो होते हैं क्योंकि
ऑप्शन ए फ्लेवोनॉइड्स एंड कैरोटेनॉइड्स के कारण, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन डी इटिलीन। तो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फ्लेवोनॉइड्स एंड कैरोटेनॉइड्स के कारण क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स येलो होते हैं। उसके बाद हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है एनिमोफाइली अकर्सिन, एनिमोफाइली अकर्सिन, ऑप्शन ए सलाइवा, ऑप्शन बी ब्लैसेरिया, ऑप्शन सी कोकोनट, ऑप्शन डी बोटल ब्रश। हमारा राइट आंसर होगा कोकोनट। केमिकली पोलन किड्स अप टॉप, पोलन किड जो होता है वो किससे बना होता है, ऑप्शन ए प्रोटीन से, ऑप्शन बी लिपिड एंड क्रेटिनॉइड से, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट एंड क्रेटिनॉइड से, ऑप्शन डी एस्पोरो पोलेनियम से। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, वो ऑप्शन बी लिपिड एंड कार्टेनॉइड से बना होता है क्या, तो पोलन किड से बना होता है। एंथर इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ पोलन, डेवलपमेंट ऑफ पोलन, ओपनिंग ऑफ फ्लावर एंड बर्ड्स, ऑप्शन डी रिसेप्शन ऑफ पोलन बाय स्टिग्मा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स एंड बर्ड्स। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, म्यूसिस इन एंथर अकर्स इन इंडोस्पर्म सेल, ऑप्शन बी पोलेंस, ऑप्शन डी टेप्टल सेल, ऑप्शन डी एस्पोर मदर सेल। तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एस्पोर मदर सेल। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर, ऑप्शन बी स्टिग्मा, ऑप्शन सी फिलामेंट, ऑप्शन डी पोलन सैक। तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी पोलन सैक। हमारा राइट आंसर क्या होगा, पोलन सैक। 12 नंबर का क्वेश्चन, द पोलन इज हैप्लॉइड, ऑप्शन बी डिप्लॉइड, ऑप्शन सी ट्रिप्लॉइड, ऑप्शन डी टेट्राप्लॉइड। हमारा राइट आंसर क्या होगा, हैप्लॉइड। 13 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, द ओवरी ऑफ फ्लावर इज हैप्लॉइड, ऑप्शन बी डिप्लॉइड, ऑप्शन सी ट्राइप्लॉइड, ऑप्शन डी टेट्राप्लॉइड। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, डिप्लॉइड। ओवरी क्या होता है फ्लावर का, वो डिप्लॉइड होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, एन एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म द फर्टिलाइजेशन इज अकर्सिंग, ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी ओव्यूल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा कि एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन है किस में अकर होता है, तो एम्ब्रियो सैक के रूप में अकर्ष होता है। तो आज के क्लास का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सीड्स विथ एंजियोस्पर्म इज नॉन एज, सीड्स विथ एंजियोस्पर्म इज नॉन एज, ऑप्शन ए एपोक्रैपिक, ऑप्शन बी पॉली एम्ब्रियोनी, ऑप्शन सी इंडोक्रैपिक, ऑप्शन डी इंडोस्पर्मी। तो ये आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करते रहे, ताकि वो भी जो अभी तक नहीं पढ़े उनको ये पहुंच सके। इसका आगे का सेशन, मतलब ये मात्र 25 क्वेश्चन में दिया हूँ, इस चैप्टर में 25 क्वेश्चन और है, क्योंकि ये VBI चैप्टर है। धन्यवाद।